लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा बेटमा के स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरकारी हॉस्पिटल में सोमवार को एक बड़े स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थिति दर्ज कराई। इस आयोजन में नगर की आशा कार्यकर्ताओं द्वारा इंदौर सांसद लालवानी को राखी भी बांधी गई। बेटमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जिले की सबसे ज्यादा प्रसव होते हैं, लेकिन यहां सोनोग्राफी मशीन की कमी बनी हुई थी। साथ ही दुर्घटना में एक्सरे से सुविधा के लिए भी इंदौर रेफर किया जाता था। अब सांसद शंकर लालवानी ने जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बी एस सेत्या को नगर में जल्द ही सोनोग्राफी, एक्सरे, ऑपरेशन थिएटर, शिशु एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ की सुविधा जल्द से जल्द प्रदान करने की बात कही है। साथ ही एक ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस की सुविधा भी देने के लिए निर्देशित किया है। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि देश में सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड का रिकॉर्ड भी इंदौर के नाम है। उन्होंने सभी से आभा कार्ड बनवाने के लिए भी आग्रह किया है। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। दिन पूर्व ही यहाँ के लोगों ने कहा था कि हमें सोनोग्राफी मशीन की आवश्यकता है, तो आज तो सोनोग्राफी मशीन हमने एक प्राइवेट हॉस्पिटल से बुलाई है। अभी आपके सामने सीएचओ महोदय ने खुद ने कहा है कि हम एक कुछ दिनों में सोनोग्राफी मशीन यहाँ भेज रहे हैं और एक्सरे मशीन का भी कहा है, दोनों कुछ दिनों में। मुझे लगता है ये दोनों चीज़ें यहाँ तुरंत आ जाएगी और यहाँ पर ये दोनों सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। मैंने निर्देश ये कहा है कि कम से कम सप्ताह में दो दिन शिशु रोग और सप्ताह में दो दिन स्त्री रोग विशेषज्ञ यहाँ आना चाहिए, और मुझे लगता है आने वाले समय में शीघ्र बच्चों के लिए भी और महिलाओं के लिए डॉक्टर दो दो दिन उपलब्ध रहेंगे। 108 और एम्बुलेंस यहाँ पर, ऑक्सीजन वाली जो हमारी स्मार्ट एम्बुलेंस है वो यहाँ होना चाहिए और एक एम्बुलेंस यहाँ पर रहेगी परमानेंट। तो हमारे यहाँ आयुष्मान भव स्वास्थ्य मेले का आयोजन बेटमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर किया गया है, जिसमें हमारे द्वारा पंजीयन कम 1400-1400 पंजीयन हुए, उसमें 400 आभा आईडी बनाई गई है और करीबन 30 आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। साथ ही हमारे द्वारा यहाँ पर मेडिसिन सुविधाएँ दी गई, हड्डी रोग विशेषज्ञ आए थे, गायनेकोलॉजिस्ट आए थे, उसके बाद नाकन गला के विशेषज्ञ आए थे, उसके बाद नेत्र सहायक और नेत्र रोग विशेषज्ञ भी आए थे, उनकी टीम भी आई थी, उनके द्वारा भी समस्त सेवाएँ दी गई हैं। साथ में यहाँ पर सोनोग्राफी सेंटर भी जो चल रहा था उसमें एएनसी को छोड़ के समस्त टाइप की सोनोग्राफी की गई है और वो भी करीबन 40-50 के अराउंड हो चुकी है अभी तक। उसके बाद अपने यहाँ मेडिकल बोर्ड में मेडिकल बनाए गए हैं, करीबन 15-17 मेडिकल बोर्ड द्वारा मेडिकल बनाए गए हैं। उन लोगों को भी जो विकलांग लोग रहते हैं उनको इंदौर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मेडिकल बोर्ड द्वारा यहाँ पे मेडिकल दिए गए हैं। साथ में हमारे द्वारा यहाँ पे जो सेवाएँ दी गई हैं उसके बाद जो आयुष्मान हमारे यहाँ निरंतर आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं, अगर कोई लोग जरूरतमंद है वो आएंगे, उनका आयुष्मान कार्ड हम बिल्कुल बना के देंगे यहाँ पर। और उससे रिलेटेड जो भी हॉस्पिटल है, बहुत सारे लोग गलती से कहीं दूसरे हॉस्पिटल चले जाते हैं, हम चाहते हैं कि आयुष्मान की डिटेल लेके ही जाएँ यहाँ से, ताकि उनको सही हॉस्पिटल में सही जगह इलाज किया जाए। धन्यवाद। डॉक्टर अभिलाष, बीएमओ, देपालपुर। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में आयुष्मान भव कार्यक्रम चलाया जा रहा है और उसके माध्यम में हर व्यक्ति का मेडिकल चेकअप हो और उसको इलाज हो, निःशुल्क दवाई हो, उसको लेके ही आज यहाँ कैंप लगाया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा चाहते हैं कि हमारे जो गरीब वर्ग के लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो नहीं जा पाते हॉस्पिटल, उनको हम गांव-गांव में कैंप लगा के उनको सुविधा उपलब्ध कराएं। मुझे बताते हुए खुशी है कि देश में सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड 12 लाख से ज़्यादा हमारे इंदौर में बने हैं, यही नहीं आभा कार्ड भी हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बन रहे हैं, और उसके साथ साथ पूरे ज़िले में आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 274 करोड़ रुपये का इलाज भी हुआ है लोगों का, और 50 से ज़्यादा हॉस्पिटल इसमें हैं। हम चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर सुविधा चिकित्सा के क्षेत्र में किस प्रकार उपलब्ध हो, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, और आज कैंप के माध्यम से सभी प्रकार की जो इलाज है वो यहाँ जांच भी होगी, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो किसी हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, वो भी होगी। तो एक आयुर्वेदिक भी है, यूनानी भी है और हमारे अंग्रेजी, तीनों इलाज की यहाँ व्यवस्था की गई है, और 18 प्रकार की जाँचें तो अभी यहीं की जा रही है। अगर इसके बाद भी अगर किसी और की जांच जरूरत होगी तो हम पूरा उसमें मदद करेंगे। यहाँ मांग रखी गई थी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।